श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सावन अधिक मास का महीना पूर्ण ही होने वाला है, ऐसे में कुछ ही दिन शेष हैं जिसमें आप शिव की भक्ति करके फल अधिकतम में प्राप्त कर सकते हैं। उसी श्रृंखला में सावन अधिक मास का बहुत विशेष तिथि है जो कि 13 अगस्त रविवार के दिन है। रवि प्रदोष की एक विशेष तिथि है। इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से 6 विशेष उपाय कर सकते हैं। सभी उपाय नए हैं क्योंकि हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने बताए हैं, कुछ उपाय तो इसी जो हाल में शिव महापुराण कथा चल रही दतिया में उसमें बताए हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि इस रवि प्रदोष का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आप ये 6 में से कोई एक नया उपाय जरूर करें ताकि आपको जो फल है वह शीघ्र प्राप्त हो, अधिकता में प्राप्त हो, क्योंकि अधिक मास का यह रवि प्रदोष है। और यह बात तो तय है, अगर आप इस अधिक मास के इस प्रदोष तिथि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक उपाय या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करेंगे तो उसका फल आपको अधिकता में ही प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर जो कि आज की ही कथा में गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने विषम परिस्थितियों में क्या करना है, अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए क्या करना है, उसके लिए आपको एक सरल और एक आसान उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा आपने सब जगह भटक लिया, सारी दुनिया में आपने बोल के आ गए पर कहीं से आपका काम नहीं बना है, तो आपको एक प्रयास करना है। आपको एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का पुष्प लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल अर्पित करना है, इसके बाद एक बेलपत्र अर्पित करना है, एक शमी पत्र अर्पित करना है और एक कनेर का पुष्प अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए, शमी पत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि शमी पत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए और कनेर का पुष्प इस प्रकार से अर्पित करें कि कनेर के पुष्प का खिला हुआ भाग आपकी ओर होना चाहिए। बस इतना ही करना होता है। आप यह उपाय 2 से 3 प्रदोष करके देखिएगा, आप जिस कामना को लेकर जिस उद्देश्य को लेकर यह उपाय करेंगे वह आपको निश्चित पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। यह विशेष उपाय आप इस 13 अगस्त रवि प्रदोष के दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने तिलदा नेवरा रायपुर की कांवड़ शिव महापुराण कथा में एक बिल्कुल नया उपाय बताया था। गुरुजी ने प्रत्येक प्रदोष के दिन शंकर भगवान के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करने को कहा है। अब यह एक दीपक अगर आप सुबह जाते हैं तो सुबह भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर शाम के समय प्रदोष काल में प्रज्वलित करें। 2 दीपक प्रज्वलित करना है, एक तो आपको भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करना है, इसमें आपको घी का उपयोग करना है, साथ में आपको गोल बाती का दीपक बनाना है, और दूसरा दीपक जो है वह आप अपने घर के ही मुख्य द्वार में प्रज्वलित करें। आपका मुख घर की ओर हो, ऐसे में सीधे हाथ की ओर आपको दीपक प्रज्वलित करना है, द्वार के पास ही प्रज्वलित करना है। और दीपक प्रज्वलित करते समय या गुरुजी के बताए इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप घर के दरवाजे में दीपक प्रज्वलित करें, उसकी बाती जो है वह बाहर की ओर रखें। यह बिल्कुल नया प्रदोष का उपाय है जो कि गुरुजी ने सभी से करने को कहा है। यह नियम गुरुजी ने सभी से बनाने को कहा है। यह उपाय करने से घर से बीमारियां तो दूर होती ही हैं, जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर जो कि आप 19 वर्षों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह उपाय सिर्फ सावन अधिक मास में ही किया जाता है और सावन अधिक मास का महीना 19 वर्षों के बाद आया है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने घर पर 5 दीपक प्रज्वलित करना है। अगर यह उपाय आपने कर चुके हैं तो फिर से कर सकते हैं, अगर नहीं करें हैं तो इस सावन अधिक मास का पूरा लाभ उठाते हुए यह उपाय आप जरूर करें। आप अपने घर में भगवान के मंदिर के सामने 5 दीपक रखें, इसमें आप लंबी बाती का उपयोग करें, घी का उपयोग करें और दीपक भगवान के सामने ही प्रज्वलित करें। इसके बाद इसे उठाकर आप जैसे दीपावली में घर के बाहर रखते हैं वैसे रख सकते हैं। एक दीपक आप चाहो तो मंदिर में ही छोड़ सकते हैं, एक दीपक आप तुलसी के पौधे के नीचे छोड़ सकते हैं, आप चाहो तो मंदिर में जाकर भी 5 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा कई माताएं कहती हैं कि हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारे पूजन करते समय वह पार्थिव शिवलिंग में दरार आ जाती है, तो गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी। गुरुजी ने कहा आप जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आपको उसमें माखन या फिर गाय का घी या फिर गाय का दूध मिला लेना है। ऐसा हम वंश वृद्धि के लिए करते हैं। आपको उसमें थोड़ा सा भस्म मिला लेना है, अलोनी गोबर के कंडे की भस्म तैयार करें और उसे उसमें मिलाएं। यह रोग मुक्ति और बड़ी बीमारी से बचने के लिए किया जाता है। आप उसमें काली मिर्च भी मिला सकते हैं, यह भी हम रोग मुक्ति के लिए करते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने प्रत्येक प्रदोष में किया जाने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी दी जो कि हाल ही में 12 अगस्त की कथा में गुरुजी ने दी है जो कि दतिया में चल रही है। गुरुजी ने कहा प्रत्येक प्रदोष में या फिर प्रत्येक शिवरात्रि में दोनों में से किसी भी में भी आप यह एक उपाय कर सकते हैं। काफ़ी सरल उपाय है। आपको भगवान का पूजन अर्चन करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, आपको ऐसा निरंतर करना है। मतलब आपको नियम बना लेना है प्रत्येक माह में जो प्रदोष आती है या फिर शिवरात्रि आती है, जब भी आप नियम बनाना चाहें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। बस इतना कर देने से गुरुजी ने कहा जिसके कई वर्षों से झोली खाली हो उसे संतान की प्राप्ति होती है, उसकी झोली भरना तय है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप जिस मनोभाव से करेंगे वह मनोभाव महादेव आपका तुरंत पूरा कर देते हैं। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। अलोनी गोबर कंडे का जो गुरुजी ने एक बिल्कुल नया भस्म वाला उपाय बताया है। ऐसी नारियाँ जिनको बच्चेदानी में गांठ हो गई हो या बच्चेदानी में कोई समस्या आ गई हो, कोई परेशानी आ रही हो, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोला हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको अलोनी गोबर के कंडे का उपयोग करते हुए भस्म तैयार कर लेना है और इस भस्म को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद थोड़ा सा आप भस्म प्राप्त कर लें, मतलब कोई डिब्बी में ले लें। इसके बाद 7 दिन तक आपको सोमवार से लेकर रविवार तक उसका त्रिपुंड अपने उदर में बना लेना है, थोड़ी सी भस्म आपको खा भी लेना है।
त्रिपुण बनाते समय और भस्म को खाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने कहा अगर आपसे त्रिपुण बनाते ना बने उधर में तो आप थोड़ी सी भस्म लेके उधर में फेर लें। बस इतना कर देने से आपको जो भी परेशानी चल रही है उसमें आपको लाभ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं छठवें और अंतिम विशेष उपाय की ओर, जो हाल ही में आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा ऐसे लड़का लड़की जो 30 35 40 वर्ष के हो गए हों, जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, या फिर वे चाहते हों कि मैं सरकारी नौकरी करूं उसके बाद ही विवाह करूंगा, तो आप सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं और शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। पहले आप सरकारी नौकरी के लिए समझ लें कि आपको क्या करना है। यह उपाय आपको सिर्फ 3 प्रदोष या फिर 3 शिवरात्रि करना है। अब आप अपने मन के अनुसार जो आपको ठीक लगे, आप चाहो तो 3 प्रदोष में करें, आप चाहो तो 3 शिवरात्रि में करें। आपको क्या करना है, यदि आप नौकरी प्राप्ति के लिए या फिर इंटरव्यू में सफलता के लिए उपाय करना चाहते हैं तो आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना है, पूरा परिश्रम करना है, पूरी पढ़ाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ना है। अगर आप कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग भी जाना है, सब चीज़ करना है, पर साथ में शिव पर विश्वास रखते हुए आपको एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक आँख का पुष्प लेना है। मतलब आँख का पुष्प आपको ऐसा लेना है जिसमें 5 आँख के पुष्प हो, ऐसा गुच्छा रहता है, उसे आपको लेकर जाना है, शिवालय जाना है। सबसे पहले आपको जो बेलपत्र लेकर गए हैं उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद शमी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, उसे भी इस प्रकार से अर्पित करें कि डंडी जलाधारी की ओर हो। और आँख के पुष्प को आपको जो 5 पुष्प का एक गुच्छा रहता है उसे शिवलिंग पर जहाँ से बैठकर आप उपाय कर रहे हैं उसके विपरीत दिशा की ओर अर्पित कर देना है। मतलब शिवलिंग के पीछे साइड अर्पित करना है जहाँ से भी बैठकर आप उपाय कर रहे हैं। यह उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते रहना है। इसके बाद बेलपत्र को उठाकर आपको अपने पढ़ाई वाले स्थान पर जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, वहाँ पर कोई भी पुस्तक या फिर चालीसा में रख सकते हैं। इसके बाद आपको प्रत्येक प्रदोष में या प्रत्येक शिवरात्रि में जब भी आप उपाय कर रहे हैं, तीनों बार उपाय करने के बाद 3 बेलपत्र उठाकर ले आना है और तीनों आपको अपने पास रखना है जब तक आपको सफलता नहीं मिल रही है। भोलेनाथ आपको जल्द ही सफलता दिलवाएंगे और सफलता प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रदोष में आप ऐसा कर सकते हैं कि जो बेलपत्र रखी हुई है उसको शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। यह एक बिल्कुल नया उपाय है जो नौकरी प्राप्ति के लिए गुरुजी ने करने को कहा है। इसी उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने कहा जिनका विवाह नहीं हो रहा है, 30, 32, 38, 40 साल के हो गए हैं, अब रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं, तो मंगल विवाह के लिए, अच्छे रिश्ते प्राप्ति के लिए आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और आंकड़े का वही पुष्प जिसमें मतलब 5 पुष्प का एक गुच्छा हो, उसे लेकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है। जी हाँ, यह उपाय करने के लिए आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है और वहाँ पर आपको ये सभी चीज़ों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद आप एक कलश का जल 5 बार करके इन सभी सामग्री के ऊपर मतलब बेलपत्र की जड़ के पास अर्पित कर दें। मतलब एक कलश का जल है उसको ऐसा अर्पित करें कि 5 बार में वह पूरा अर्पित हो जाए। इसके बाद इस बेलपत्र के पेड़ के आपको 7 परिक्रमा कर लेना है। यही आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय बोलते हुए परिक्रमा करें। इसके बाद जो बेलपत्र और पुष्प आपने चढ़ाया है उसे उठाकर आप घर ले आएँ और पूजा के स्थान के पास रख दें, कोई कटोरी में भी रख सकते हैं। अगले दिन आप चाहो तो जो पुष्प और बेलपत्र को कटोरी में रखा है क्योंकि वह ख़राब होने लगेगी, तो आप उसका कोई भी पेड़ के नीचे विसर्जन कर सकते हैं या फिर कोई नदी में विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा आपको लगातार 3 प्रदोष या फिर 3 शिवरात्रि तक करना है। भोलेनाथ की कृपा से आपको अच्छे वर की प्राप्ति होगी, अच्छा रिश्ता प्राप्त होगा और आपका मंगल विवाह होगा। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।